स्टूडेंट, टुडे वी सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ओके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो सी फर्स्ट, दैट इज द इक्वेशन फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ओके, फर्स्टली वी फाइंड आउट द इक्वेशन फॉर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ओके, सी दिस इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ऑन एक्स एक्सिस देयर इज अ टाइम, ऑन वाई एक्सिस दैट इज द EM. Okay, modulating signal. Okay, the modulating signal for amplitude modulation, the equation will be small em is equals to capital em cos omega m t. It is the standard equation. Okay, after that, in this, where em kya hai isme, that is the instantaneous amplitude of modulating signal. Okay, कैपिटल ई एम क्या है इसमें, इट इज़ द पीक एम्पलीट्यूड. ओके, जो भी यहाँ पे दिया है ये क्या है आपका पीक एम्पलीट्यूड. ओमेगा एम क्या रहता है, दैट इज टू पाई एफ एम. ओके, और जो स्मॉल एफ एम है, मीन्स इसमें जो स्मॉल एफ एम है वो क्या रहता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ कैरियर सिग्नल. ओके, दिस इज द ई सी, then this is on x-axis it is time, and this is the carrier signal. Okay, already see what is the carrier signal. Okay, see, this is the equation for carrier signal, that is small ec is equals to capital ec cos omega ct. Abhi isme jo kya hai, small ec kya hai, where small ec is instantaneous amplitude of carrier signal, capital EC is the peak carrier amplitude, WEC is the 2 pi FC, and FC is the carrier frequency. Okay, after that we have to find out the equation of modulated signal. Okay, previously हमने जो देखा था वो था modulating signal. ये क्या है, जो भी output में मिलता है आपको modulated signal वो. Okay, ये दोनों का combination, carrier और कैरियर सिग्नल और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का जो भी आउटपुट आएगा वो रहेगा अपना आउटपुट इज मॉड्यूलेटेड सिग्नल. अभी उसका जो डायग्राम है वो दोनों का मिक्सिंग होता है, दैट इज द ई सी प्लस ई एम, दैट इज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल. दिस इज द डायग्राम फॉर द कॉम्बिनेशन, दैट इज द मॉड्यूलेटिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ओके, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज गिवन एज, अभी इसका जो कॉम्बिनेशन का जो इक्वेशन बनेगा जो आपको निकालना है एक्सप्रेशन. ओके, ओके, सी दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ एम वेव ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज गिवन एज स्मॉल ए एम इज इक्वल्स टू ए कॉस टू पाई एप्सी टी. ओके, इसमें जो ए है वो क्या रहता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल. So capital A, we have to write capital EC plus capital small EM. Okay, और जो capital A रहता है वो क्या रहे, क्या होगा अपना, ये जो आपका equation है क्या है, that is A is equals to EC plus EM. Means ये जो small EM है हम उसके जगह पे क्या लिख लेंगे, ये वाला equation. Okay, that is cos 2 pi epsilon t. ओके, इसमें जो वैल्यू है हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस में निकालिए, देखो दैट इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ई एम की वैल्यू है अपनी, दैट इज ई एम कॉस ओमेगा एम टी. ठीक है, वो हम इसमें पुट कर देंगे बाद में. ये जो ए की वैल्यू है वो हमारा जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसमें ये पुट कर देंगे, तो क्या होगा, कैपिटल ई एम इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू ये पुट कर देंगे पूरी, क्या आएंगी, ई सी प्लस ई एम कॉस ओमेगा एम टी, और ये बाद में क्या आएगा, कॉस टू पा एफ सी टी. ओके, तो ये जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी जो ई सी है कैरियर सिग्नल कैरियर है, ठीक है, वो हम लोग कॉमन निकालेंगे ई सी. अगर ई सी कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, दैट इज यहाँ पे तो वन रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, ई एम बाई ई सी कॉस ओमेगा एम टी, और बाकी का वैसे कि वैसे ही रहेगा और ई सी कॉमन आएगा. तो ये है आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड
modulation. Okay, so in this way we have to derive the mathematical expression for amplitude modulation. Okay, and it is very, very important. Okay, thank you.